आज के जमाने में सभी लोग अपने चेहरे को सुंदर देखना चाहते हैं, लेकिन कई लोग होंठ फटने की प्रॉब्लम से परेशान हैं। होठों के कोने फटने की समस्या काफी तकलीफ देह हो सकती है। होंठ फटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी की कमी, पोषण की कमी और ड्राई स्किन। इनके कारण होठों के किनारे फटने लगते हैं। नमस्ते विवर्स, मैं डॉक्टर चेताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम जानेंगे सबसे पहले होंठ फटने के क्या कारण है, फिर दूसरा गर्मियों में होंठ सूखने की समस्या के कारण, और फिर लास्ट में हम देखेंगे होठों के फटने के कुछ घरेलू उपचार, यानी कि होम रेमेडीज फॉर क्रैक लिप्स। तो जानते हैं सबसे पहले होंठ फटने के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला है एंगुलर चिलाइटिस। एंगुलर चिलाइटिस के कारण होंठ फटने की समस्या हो सकती है। ये एक स्किन डिसीज है जिसमें मुंह के कोने फटते रहते हैं और उनमें घाव और सूजन हो जाती है। मुंह में बनने वाली सलाइवा कोनों में जमा हो जाती है। इसके कारण होठों की स्किन कंटिन्यू गीली रहती है और इन्फेक्शन हो सकता है। इस हिस्से की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने के कारण होठों के कोने फटने लगते हैं। ये समस्या बढ़ती उम्र के लोगों में डेंचर के या फिर दांत गिर जाने के कारण होठों में जो फोल्ड बन जाती है उसके कारण हो सकती है, या फिर बच्चों में लगातार लार टपकने या फिर अंगूठा चूसने के कारण भी होंठ फटने की समस्या हो सकती है। फिर दूसरा है विटामिन और मिनरल्स की कमी। होंठ फटना या फिर कटना शरीर में विटामिन्स या फिर मिनरल की कमी की ओर इशारा करते हैं। एंगुलर चिलाइटिस से ग्रस्त 25% लोगों में विटामिन बी या आयरन की कमी होती है। शरीर में विटामिन B12, फॉलेट, राइबोफ्लेविन, जिंक, प्रोटीन और आयरन की कमी के कारण होंठ फटने की समस्या हो सकती है। डाइट में बदलाव करके इस समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। फिर है डायबिटीज। बार बार प्यास लगना, ड्राई स्किन और होठों का फटना जैसे कई लक्षण डायबिटीज का संकेत हो सकता है। डायबिटीज में बार बार यूरिन आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे होठ फटने लगते हैं और मुंह भी सूखने लगता है। अब हम देखेंगे गर्मियों में होठ सूखने के क्या कारण होते हैं। क्या आप भी गर्मियों में होठ सूखने की समस्या से परेशान है? गर्मी में होंठ फटने के 5 महत्वपूर्ण कारण ये है। सबसे पहला, शरीर में पानी की कमी के कारण। पानी की कमी होना होठों के सूखने की बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि होठों में कोई फैटी लेयर नहीं होता है। डिहाइड्रेशन इस पर बेहद जल्द असर करता है। फिर है आपकी लिपस्टिक या फिर लिप ग्लॉस भी एक विलन हो सकता है। प्रोपिल गैलेट और फिनाइल सैलिसिलेट लिपस्टिक और अन्य लिप प्रोडक्ट्स में अक्सर पाए जाते हैं। ये रसायन होठों के स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है। इसकी वजह से लिप मॉइस्चर खत्म हो जाता है और होंठ फटते नजर आते हैं। फिर तीसरा है, आपके टूथपेस्ट में भी हो सकती है समस्या। आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, होंठ फटने की समस्या जरूर छुपी हो सकती है। कई केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट होठों के फटने की वजह बन सकते हैं। फिर चौथा है, धूप में निकलना। गर्मी के मौसम में सूरज की हानिकारक किरणों की आपकी पूरी त्वचा और होठों का डिहाइड्रेशन हो सकता है और ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो सकता है। फिर पांचवा है, मुंह से सांस लेना। अक्सर देखने को मिलता है कि स्लीप एपनिया या फिर जुकाम, साइनोसाइटिस जैसी बीमारियों में लोग मुंह से सांस लेते हैं। ये होठों के सूखेपन की एक वजह हो सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं होंठ फटने के कुछ घरेलू उपचार, यानी कि होम रेमेडीज फॉर क्रैक लिप्स। सबसे पहला है एलोवेरा जेल। अगर आप होठों के फटने से परेशान हैं, तो एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके लिए मुंह को अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद होठों पर एलोवेरा जेल लगाएं और करीब 30 मिनट के लिए छोड़ दें। आप चाहे तो रात में सोने से पहले भी होठों पर एलोवेरा जेल लगाकर सो सकते हो। इसके बाद होठों का सूखापन दूर हो जाएगा और त्वचा मुलायम बनेगी। फिर दूसरा है, गुलाब की पंखुड़ियाँ। होठों को ठीक करने के लिए आप गुलाब की पंखुड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये आपके होठों को मॉइस्चर देगा और उन्हें फटने से बचाएगा। इसके लिए गुलाब की पंखुड़ियों को रात में दूध में भिगो कर रखें। सुबह इस पंखुड़ियों को पीस कर लेप बना ले और ये इस लेप को अपने होठों पर लगाए और 30 मिनट के लिए छोड़ दे। इसके बाद चेहरे को पानी से धो ले और मॉइस्चराइजर लगा ले। इससे आपके होठ मुलायम और गुलाबी बनेंगे। फिर एक कैस्टर ऑयल, होठों को फटने से बचाने के लिए आप कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। कैस्टर ऑयल लगाने से होठों की ड्राइनेस दूर हो जाती है और त्वचा को भी हील होने में मदद मिलती है। इसके लिए कैस्टर ऑयल को आप होठों पर लगाए, इसे करीब 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे, फिर ठंडे पानी से मुंह धो ले। फिर है संतरे का छिलका। सर्दियों में आप अपने लिप्स पर संतरे का छिलका भी लगा सकते हैं। ये आपके फटे होठों की परेशानी से छुटकारा दिलाने में प्रभावी हो सकता है। इसके लिए 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर ले। इसमें 5 ml बादाम तेल मिक्स कर ले। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर डालकर गाढ़ा पेस्ट बना ले। अब इसे आपके लिप्स पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। इसका असर आपके लिप्स पर नजर आएगा। फिर है नारियल का तेल। सर्दियों में लिप्स पर नारियल तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल तेल फटे लिप्स की परेशानी को दूर कर सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए रात में सोने से पहले लिप्स पर नारियल का तेल लगाएं। इसके अलावा नारियल के तेल को आपकी नाभि पर डालकर कुछ समय के लिए मसाज करें। इससे आपकी लिप्स की खूबसूरती बढ़ेगी। फिर है शहद। लिप्स पर शहद लगाने से भी आपके होठ गुलाबी नजर आ सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 चम्मच शहद ले। इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर और थोड़ा गर्म पानी मिक्स कर ले। इसके बाद इस गाढ़े पेस्ट को आपके लिप्स पर लगा ले। करीब 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दे। इसके बाद नॉर्मल पानी से मुंह धो ले। इससे लिप्स की खूबसूरती बढ़ेगी। फिर है मलाई। गुलाबी और सॉफ्ट लिप्स के लिए होठों पर मलाई लगाएं। मलाई लगाने से आपके लिप्स की चमक बढ़ेगी, साथ ही इससे आपके लिप्स पिंक नजर आएंगे। फिर है नींबू का जूस। इसके फायदों से फटे होठों का इलाज हम कर सकते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच नींबू का जूस ले ले। इसमें 1 चम्मच शहद और 1 या 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला ले और फिर उन्हें होठों पर मास्क की तरह लगाए। लगाने के बाद 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दे। फिर होठों को पानी से धो ले। इस उपाय को 7 से 8 दिनों के लिए रोजाना दोहराइए। नींबू का जूस सूखे और काले होठों के लिए एक प्रभावी इलाज है। नींबू नेचुरल ब्लीच और एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है। शहद त्वचा को पोषण दिलाता है और होठों को हानिकारक फ्री रेडिएशन से सुरक्षित रखता है। क्रैक लिप की समस्या से बचने के लिए आप पौष्टिक आहार लें, शरीर को हाइड्रेट रखें, क्रीम या फिर घरेलू उपचारों का इस्तेमाल करें और कॉस्मेटिक्स से दूर रहें। फिर प्राकृतिक टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें और तेज धूप में चेहरे और होठों को ढककर रखें और अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।